एक्चुअल में फिल्म हमारी जो गांधीगिरी है, ये पिछले 10 सालों का मेरे दिमाग का जनरेशन है। दिमाग में जो चीज़ें जनरेट होती रही हैं, देश के सिस्टम को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो दिमाग में आइडियाज आते रहे, उसको मैंने पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। गांधीगिरी, इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, ना उनके जीवन से कोई लेना देना है। ये आज की फिल्म है, आज के जनरेशन की फिल्म है। और जैसे मैंने अभी बात आपसे कही कि कानून व्यवस्था को लेकर के मैंने इस फिल्म पर कटाक्ष किया है, तो जस्ट फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले मैं उसी कानून व्यवस्था का शिकार खुद हो गया। फिर मेरे ख्याल से इस फिल्म की सबसे अच्छी है, पहली बात तो ये है कि इसमें आज की समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स पर है फिल्म। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, शिवम पाठक जी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। एक दो गाने थोड़ा एवरेज भी हैं, लेकिन वो किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर के हैं तो, लेकिन बाकी 3-4 गाने जो है बहुत हिट हैं हमारी फिल्म में। तो ये दूसरी बात है, आज का जनरेशन इसको पसंद करेगा क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है, उनकी प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इंटरटेनमेंट है। मैंने अपने होम टाउन में की है इस फिल्म की शूटिंग, शिवगढ़, रायबरेली, लखनऊ और गुड़गांवा, हरियाणा, दिल्ली, जैसलमेर और मुंबई। मुझे बहुत अच्छा लगा सारा, सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा, सिवाय एक संजय मिश्रा जी को छोड़कर, क्योंकि संजय मिश्रा जी भोजपुरी फिल्म का डायरेक्टर होने की वजह से मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे, प्रोड्यूसर को तमाम तरह की इधर उधर की बातें करते रहे। क्यों? क्योंकि वो मुझे अंडर एस्टिमेट करना चाहते थे, क्या भोजपुरी फिल्म का डायरेक्टर हिंदी फिल्म नहीं बना सकता है? मैं अभी हॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ एक फिल्म करने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल फिल्म है वो, तो मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने अगर रीजनल फिल्म भी किसी भी भाषा में बनाई तो मेरे लिए फिल्म फिल्म होती है। लेकिन ये लोग जो चंद थोड़ा सा जिनके पास पैसे आ जाते हैं या जिनको थोड़ा सा नेम फेम मिल जाता है, वो एक इंसान की तकलीफ को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो आदमी आज सामने खड़ा है, इसने 20 साल कैसे तपस्या की है, कैसे मेहनत की होगी, कैसे यहाँ तक आया होगा। तो उन्होंने हमारे सब्जेक्ट को साथ खिलवाड़ करने की बहुत कोशिश की, बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बिकॉज वही दूसरी जगह जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर सरेंडर होकर काम करते हैं, मैंने उनको देखा है। लेकिन मेरे यहाँ क्या हुआ कि भोजपुरी का है और मेरे प्रोड्यूसर को थोड़ा सा फेवर में ले लिया, और जो लोग नए नए लोग आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, सारी बातें इधर की उधर, कहानी इधर जा रही है, वो उधर जा रहा है, मूड इधर जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस खाली उनकी वजह से हुई। बाकी फिल्म में सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, मैं सबका बहुत थैंकफुल हूँ। कोर्ट ने आज, अभी तो ये केस अब शुरू हुआ है, सारे एविडेंस मैं शो कर चुका हूँ, आपके सामने फाइल है मेरे साथ, आज कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है मेरे पास, और कोर्ट का जो आज जजमेंट मीन्स आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बगैर सनोज मिश्रा का नाम दिए हुए आप फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। हु इज एस मिश्रा, कोर्ट ने ये कहा है। अभी तो केस शुरू हुआ है, अभी तो चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, ये हमें भी नहीं मालूम है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। इसके एवज में मुझे क्या मिला है कि मुझ पर 4-5 फर्जी केस दिल्ली में यहाँ वहाँ मेरे ऊपर डाल दिए गए ताकि मैं डैमेज हो जाऊँ, ये ख़त्म हो जाऊँ या मैं डर जाऊँ। तो उनको ये शायद ये नहीं पता है, अगर जो लोग मेरे साथ इतने दिन से काम किए उनको पता है कि मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मरने वाला इंसान हूँ, मर जाऊँगा लेकिन मुझे डरना पसंद नहीं, डर नहीं सकता हूँ मैं। ये फर्स्ट रिलीज फिल्म तो रिलीज हुई थी 2013 में, ठीक है ना, और बहुत सारी भाषाओं की फिल्में हैं, ये रिलीज होने वाली फिल्म है, ये भोजपुरी की फिल्म है, ये नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है, बंगला की फिल्म है, ये राजस्थानी फिल्म है, इस तरह की कई सारी फिल्मों का ये मेरा जो एक रेज्यूम रहा है। पहली बार मैंने इस फिल्म को अनाउंस किया था, जब इस फिल्म को गांधीगिरी को 2009 में इसका फर्स्ट अनाउंसमेंट आया था कि सनोज मिश्रा इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, प्रोड्यूस भाई अनूप जलोटा जी, श्री अमराज जलोटा, उन्होंने इस फिल्म को अनाउंस किया था। लेकिन किसी वजह से ये फिल्म हमारी आगे नहीं बढ़ पाई, फिल्म उस वक्त नहीं बन पाई। ये मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है 2014 में, जिसको मैंने रजिस्टर्ड कराया था, उसके पहले भी लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, इसका वन लाइन जो मैंने, ये फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा कवरेज है, जितनी जगह शूट हुआ है, एक एक फ्रेम, एक एक चीज़ें, एक एक सब एवरीथिंग सब कुछ, और ये सारे फोटोग्राफ्स हैं रनिंग शूटिंग के दौरान जो हमने जैसलमेर से, राजस्थान से, अपने होम टाउन से और सब जगह से लेकर के इस फिल्म को जो है ना हमने शूट किया था, जहाँ जहाँ का भी सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो कोर्ट का जजमेंट आज आया हुआ है, 13 तारीख को ही आना था, उसकी कॉपी भी मैं आपको मेरे मोबाइल में दिखा सकता हूँ, बाकी आपको कॉपी चाहेगी तो मैं आपको भिजवा दूँगा।